नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। आज देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और सबसे प्रमुख है बंगाल। बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उसको समझा जाए और सुबह से ही आज किस तरह के रुझान बंगाल से निकल के आ रहे हैं इसको समझ लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बंगाल में आज सुबह ही इस तरह की खबरें आई जिसको सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग किसके दबाव में काम कर रहा है और जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन बंगाल के अंदर तैनात हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, वो किसके अधीन रह के वहाँ पे काम कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को समझा जा सकता है। ममता बनर्जी का आज सुबह ही एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में ममता बनर्जी एक न्यूज़ के वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगाई कि किस तरीके से CRPF के जवान गांव में जाकर लोगों को ये कह रहे हैं वो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और उन्हें वोट देने से रोका भी जा रहा है। ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप है अगर इसको देखा जाए तो। जिस तरीके से पुलिस के जवान, CRPF के जवान वहां जाकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं और झड़प का भी एक नजारा उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। CRPF के जवान ये बातें कह रहे हैं कि आप वहां वोट करने मत जाइए, या फिर सारी चीजें जो भी असलियत है वो तो बाद में पता लगेगी, लेकिन अभी जो वीडियो में दिख रहा है जिसको देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन, CRPF के जवान जो बंगाल चुनाव के अंदर तैनात हैं वो कहीं ना कहीं किसी के दबाव में हैं। इसके पहले भी ममता बनर्जी ने सीधा अमित शाह के ऊपर आरोप लगा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि जो भी पुलिस प्रशासन बंगाल के अंदर तैनात है वो अमित शाह के इशारे पे काम कर रहा है। निष्पक्ष रूप से बिल्कुल नहीं, अमित शाह के इशारे पे काम कर रही हैं। और जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग नहीं अमित शाह आयोग है और अमित शाह चुनाव करवा रहे हैं, ये सारे आरोप ममता बनर्जी लगा चुकी हैं। लेकिन ये वीडियो छोटा सा देखिए आप सब लोग, इसके बाद आपको ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे कि वहां के जो लोग हैं उनका क्या कहना है और उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वोट करते समय। ये वीडियो देखिए सबसे पहले आप। মারধর করছে এবং CRPF-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা নাকি BJP-তে ভোট দিতে বলছে, যদিও আমরা কথা বলবো। वीडियो में आप सब लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग, जो लोग चुनाव आयोग के दरमियान जिनकी ड्यूटी लगी है, वो लोग लोगों के भीतर जाके, लोगों के पास जाके उनको रोकने का काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है कैसे तृणमूल कांग्रेस के किले को ध्वस्त किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन वहां पे ग्राउंड की क्या स्थिति है इसको समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राउंड पे जाकर अगर आप देखेंगे तो हर बूथ पर आपको ये दिक्कतें सुनने को मिल जाएंगी। EBM खराब है, VVPAT में सही पर्ची नहीं निकल रही है, EBM में गड़बड़ी हो गई है और EBM में गड़बड़ी होने के वजह से चुनाव में देरी हो रही है। हर बूथ पे लगभग लगभग बंगाल के आपको देखने को मिल जाएगा और बंगाल ही सबसे ज्यादा अहम है और बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे कड़ी टक्कर मिल रही है, सबसे बड़ी बात है। और बंगाल से ही ऐसी खबरें लगातार निकल के आ रही हैं। ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आप सब लोग देखिए। क्या दिक्कत था? VVPAT खराब था। अच्छा, VVPAT मशीन खराब था। VVPAT मशीन खराब था। अब को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा दिक्कत है, सही है या कुछ मशीन के लिए दिक्कत हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मशीन बंद हो गया था, VVPAT मतलब कुछ खराब हो गया था। क्या दिक्कत आ रहा था VVPAT में? कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, VVPAT में पर्ची दिखाई नहीं दे रही थी किसका वोट जा रहा। हाँ हाँ, खराब मशीन बोल छे, लाइन पड़े गए छे, मशीन खराब बोल रहे, मशीन खराब बोल छे। देखिए ये कह रही है कि काफी देर से यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और वहाँ पर अंदर बताया जा रहा है कि मशीन खराब है। क्या खराबी बता रहे हैं? सेटा यानी ना हमरा लाइने दाड़ी छिलम बोलो मशीन खराब। मशीन आधा घंटा बंद सकता है। क्या बंद था, क्यों बंद था? स्विच गंडगोल करता है मशीन। अच्छा, मशीन गंडगोल को तो मशीन आया आधा घंटा लगा, खराब हो गया ना मशीन। खराब क्या हुआ मशीन में?
कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। क्या क्या कितना समय लगा आपको वोट करने में? बेसी समय नहीं, मशीन खराब हो गई थी, एक खुनी है, मशीन खराब हो गई। ग्राउंड पे जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें भी साफ तौर पे यही दिख रहा है किस तरीके से चुनाव आयोग किसी के अधीन आके काम कर रहा है और लगातार ईवीएम में गड़बड़ी, वीवीपैट में गड़बड़ी, ये सारी शिकायतें आम लोग कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है, किसी भी तरीके का संज्ञान चुनाव आयोग नहीं ले रहा है। इसके पहले कल की एक खबर थी जिसको देखने के बाद लोग चौंक गए थे, किस तरीके से असम के डीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर 90 वोट थे, मात्र 90 वोट थे, लेकिन ईवीएम मशीन में कुल 171 वोट पड़ गए थे। हम लोग ने भी आपको यह खबर दिखाई थी, ईवीएम मशीन में 171 वोट पड़े थे। समझिए, वोट कुल 90 हैं, ईवीएम मशीन में 171 वोट पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन कोई भी सफाई नहीं दे रहा है और सारी चीजें इस तरीके से हो रही हैं जो आज के पहले कभी नहीं हुई थी। इलेक्शन कमीशन के साख पे इतना बड़ा बट्टा आज के पहले कभी नहीं लगा था जो अभी देखने को मिल रहा है। हर रोज हर चरण के चुनाव में ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, टाइम को एक्सटेंड किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन फिर भी खामोश है। कोई सफाई देने के लिए इलेक्शन कमीशन बाहर नहीं आता। कभी किसी प्रत्याशी के घर पे ईवीएम मशीन मिल जाती है, कभी किसी प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम मशीन मिल रही है, चुनाव आयोग खामोश है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। केवल किया जाता है तो चुनाव आयोग के द्वारा मात्र इतना संज्ञान लिया जाता है कि जिस प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम मशीन मिला उस प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं दी जाती है, वो भी महज 48 घंटे के लिए, उसको भी कम करके 24 घंटे कर दिया जाता है। तो चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लगातार विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है कि क्या वो अभी निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बंगाल की जो स्थिति निकल के सामने आ रही है, बंगाल की स्थिति को देखने के बाद ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के साख पे बहुत बड़ा बट्टा लगा है और उसके सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या चुनाव आयोग अपनी प्रतिष्ठा और निष्ठा बचा के एक निष्पक्ष चुनाव करवा पाएगा कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।